नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप सब जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो परंपरागत विषयों की सीमाओं से परे है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में जब आप पर्यावरण अध्ययन विषय का शिक्षण अधिगम कराते हैं, तब आपको अन्य विषयों की भांति वहां भी पाठ्य योजनाओं का निर्माण तो करना पड़ता है, परंतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात NCF 2005 में जो अनुमोदन किए गए हैं उनके आधार पर आपसे ये अपेक्षा है कि आप संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित पाठ्ययोजना निर्माण की किसी प्रणाली का प्रयोग करेंगे। पाठ्ययोजना निर्माण की ऐसी ही एक प्रणाली जो संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है वह है 5E या 5E प्रणाली। आज हम 5E प्रणाली के विषय में, उसके विभिन्न घटकों के विषय में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं और एक शिक्षक के नाते आपको ये जानना भी चाहिए कि एक पाठ्य योजना एक शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक पाठ्य योजना न केवल आपको दैनिक पाठों के नियोजन में मदद करती है, बल्कि साथ साथ जब आप पाठ्य योजना निर्माण करते हैं तो आपको जो शिक्षण अधिगम कक्षा में कराना है उसकी आप पूर्व से पहले से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जब आप पहले से तैयारी करते हैं, पहले से पाठ्य योजना बनाते हैं, तो आपको प्रतिदिन किस सामग्री की आवश्यकता है, किन संसाधनों की आवश्यकता है, उनका व्यवस्थापन, उनकी व्यवस्था आप पहले से कर सकते हैं, तो उनके व्यवस्थापन में भी पाठ्य योजना आपकी सहायक होती है। साथ ही जब आप अपनी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं, पाठ्य योजना में उनका समावेशन करते हैं, तो आप उन क्रियाकलापों की भी पहचान करते हैं जिन क्रियाकलापों का आयोजन आपको दैनिक अपनी कक्षा में करना है। पाठ्य योजना में जो कक्षा कक्ष में संभावित क्रियाकलाप हैं उनकी पहचान और उनके नियोजन में भी पाठ्य योजना आपकी सहायक होती है। और इसके साथ साथ आप जिन शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का या अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उन अनुदेशात्मक उद्देश्यों के प्राप्ति में भी एक पाठ्य योजना आपकी मदद करती है। एक पाठ्य योजना में क्या क्या शामिल होता है? आप सब प्राथमिक स्तर पर शिक्षक हैं, आप सब पाठ्य योजनाएं बनाते हैं। कोई लिखित में पाठ्य योजना बनाता होगा, कोई मौखिक में बनाता होगा, कोई संक्षिप्त में बनाता होगा, कोई पूर्ण रूपेण पूर्ण विकसित पाठ्य योजना बनाता होगा। आप किसी न किसी प्रारूप का प्रयोग तो करते ही होंगे। पाठ्य योजना चाहे संरचनावादी प्रारूप में बने, चाहे व्यवहारवादी प्रारूप में बने, या किसी भी परंपरागत प्रारूप में बने, एक पाठ्य योजना में कुछ घटक सदैव सम्मिलित होते हैं। पहला घटक है विषय या पाठ का कथन, अर्थात कौन सा पाठ उनको पढ़ना है, आज कक्षा में कौन से पाठ पर चर्चा होनी है। अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य है कि वे कौन से उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इस पाठ या इस विषय या इस विषय वस्तु को चुना गया है। विषय वस्तु की रूपरेखा, साथ ही जो विषय वस्तु आपने चुनी है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस विषय वस्तु के लिए किस प्रकार के अध्यापन अधिगम क्रियाकलापों का नियोजन आपको कक्षा में करना है, तो क्रियाकलापों का निर्धारण एक पाठ्य योजना में होता है। उन क्रियाकलापों में किस सामग्री की उपयोगिता है, किन संसाधन का आपको उपयोग करना है, क्या वो संसाधन कोई कक्षा कक्ष संसाधन है, या वो संसाधन घर से अध्यापक लेकर आया है, या विद्यार्थियों से उस प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था की गई है, तो उस सबको भी पाठ्य योजना में शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही पाठ्य योजना में ये भी सम्मिलित होता है कि जिन अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण पाठ्य योजना में किया गया है, किस हद तक वो उद्देश्य उस कक्षा में प्राप्त किए जा रहे हैं, इसका आकलन, और इसका आकलन किस प्रकार करेंगे, अर्थात आकलन की युक्तियां कौन सी होंगी। तो एक पाठ्य योजना में एक पाठ का कथन, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विषय वस्तु की रूपरेखा, अध्यापन अधिगम क्रियाकलाप, सामग्री और संसाधन, और उसके अलावा आकलन की युक्तियां, ये 6 चीजें मुख्य तौर पर सम्मिलित होती हैं। आप पाठ्य योजना कैसे भी बनाए, चाहे आप परंपरागत पाठ्य योजना बना रहे हो या आप संरचनावाद पर आधारित किसी प्रणाली का प्रयोग करके पाठ्य योजना बना रहे हो, एक पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व एक शिक्षक को कुछ प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। वे बड़े मूलभूत प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ये पाठ क्यों पढ़ाना चाहिए, ये पाठ क्यों पढ़ाना चाहिए, उद्देश्य क्या है पाठ को पढ़ाने का, इसको पाठ को पढ़ाने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होने वाले हैं, वो ज्ञान के किस नए आयाम का निर्माण करने वाले हैं, क्या वो कोई नया संप्रत्यय पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ाना चाहिए। उस जवाब क्यों का निर्धारण कर लें
उस क्यों को पाने के लिए क्या पढ़ाया जाए, क्यों से क्या जुड़ा हुआ है। जब आपने ये तय कर लिया कि उनको क्यों पढ़ाना चाहिए, फिर आप तय कीजिए उनको क्या पढ़ाना चाहिए। क्या वो विषय वस्तु कोई सैद्धांतिक विषय वस्तु है, क्या वो सैद्धांतिक नहीं ना होकर कोई प्रयोगात्मक विषय वस्तु है, क्या कोई अनुभवात्मक विषय वस्तु है, क्या कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसका उनको अवलोकन करना है, क्या कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसमें उनको हस्तकार्य करने। तो विषय वस्तु की प्रकृति क्या होगी, क्या पढ़ाना है, क्यों के बाद आप ये तय करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आप पूछिए, जब आपने क्यों का निर्धारण कर लिया, क्या क्या निर्धारण कर लिया, किस प्रकार पढ़ाना है, ये पाठ किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, ये प्रश्न आपके समक्ष आना चाहिए। किस प्रकार की जब आप चिंता करेंगे, तब आप शिक्षण विधियों का निर्धारण करेंगे, शिक्षण युक्तियों का निर्धारण करेंगे, क्रियाकलापों का निर्धारण करेंगे, संसाधनों का निर्धारण करेंगे, उनके स्वरूप का निर्धारण करेंगे, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये करेंगे कि आपको कक्षा में जो आपने निर्धारित विषय वस्तु है वो किस प्रकार प्रदान करनी है, और फिर बच्चों ने क्या सीखा और कितना सीखा। अंग्रेजी में कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, अर्थात अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप आकलन किस प्रकार करेंगे, ये कैसे पता लगाया जाए, अर्थात आकलन की युक्तियां कौन सी होंगी, आकलन की युक्तियां कौन सी होंगी, क्या वह एक मौखिक प्रश्न होंगे, क्या कोई क्रियाकलाप होगा, क्या कोई वर्कशीट होगी, क्या उनसे कुछ निर्माण करने को कहा जाएगा, क्या उनसे कुछ खोज करने को कहा जाएगा। तो जब आप इन चार मूलभूत प्रश्नों पर चिंता करते हैं, अर्थात आपको पाठ क्यों पढ़ाना है, आपको पाठ में क्या पढ़ाना है, आपको पाठ किस प्रकार पढ़ाना है, और बच्चों ने जो सीखा है उसका आप कैसे पता लगाएंगे, जब आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे तो आपको अपनी पाठ्य योजना निर्माण में बहुत सहायता मिलेगी। कि पाठ्य योजना निर्माण करते समय आपको इन्हीं सब बिंदुओं को अपनी पाठ्य योजना में समाहित करना होता है। आप पाठ्य योजनाएं विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित बनाते रहे होंगे या बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में और वर्तमान में जो शिक्षण अधिगम प्रणाली भारत की विद्यालयों में संचालित हो रही है, उसमें रचनावादी पाठ्य योजना की बात की जाती है, कि पाठ्य योजना जो है वो रचनावादी दृष्टिकोण पर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित होनी चाहिए। और रचनावादी विचारधारा में आप जानते हैं वहां बात की जाती है बच्चों के अनुभवों को प्रयोग करने की, बच्चों द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करने की। तो उसमें पहली बात कही जाती है कि कक्षा कक्ष में जब अधिगम का प्रारंभ हो तो वे बच्चों के विचार, भावनाओं और कौशलों के अनुसार होना चाहिए। बच्चों के विचार, भावनाएं और कौशल ये महत्वपूर्ण हैं। साथ ही एक रचनावादी पाठ्य योजना में ये निर्धारित किया जाता है कि सहपाठियों के साथ बच्चों का अंतःक्रिया हो, अध्यापक के साथ बच्चों की अंतःक्रिया हो, वे जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश के साथ बच्चों की अंतःक्रिया हो, अर्थात अंतःक्रियात्मकता को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के अवसर आपकी पाठ्य योजना में होने चाहिए। एक रचनावादी पाठ्य योजना का ये एक महत्वपूर्ण आधार होता है। साथ ही हम सब जानते हैं कि रचनावाद बच्चों के स्वयं अर्थ निर्माण की बात करता है। रचनावाद कहता है कि बच्चे अपने अनुभवों और प्रयोग के आधार पर स्वयं अर्थ का निर्माण करते हैं। वे स्वयं अर्थ का निर्माण करें उसके लिए उनको अनुभव और प्रयोग के अवसर आपको देने हैं। अर्थात आप जब अपनी पाठ्य योजना बनाएं तो उस पाठ्य योजना में बच्चों को अनुभव के अवसर, बच्चों को प्रयोग के अवसर अधिक से अधिक मिलें, इसका ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही रचनावादी पाठ्य योजना में एक और बिंदु है, वह है कि वास्तविक अधिगम केवल आत्मसातीकरण से नहीं होता बल्कि अनुकूलन और समायोजन से होता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से होता है। परंपरागत पाठ्य योजनाओं में, परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक ज्ञान का प्रदाता होता था और बच्चा ज्ञान का ग्राही होता था, तो अध्यापक जो ज्ञान प्रदान करता था बच्चा उस ज्ञान का आत्मसातीकरण करता था और हम ये मानते थे कि उसका अधिगम हो रहा है। लेकिन रचनावादी योजना ऐसा नहीं मानती। रचनावादी योजना कहती है कि वास्तविक अधिगम अनुकूलन और समायोजन से होता है। तो आप जब पाठ्य योजना बनाए तो आपकी पाठ्य योजना में अनुकूलन और समायोजन के अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। साथ ही रचनावादी पाठ्य योजना यह भी मानती है, रचनावादी विचारधारा यह भी मानती है कि बच्चे जो नवीनतम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जो नई जानकारियां उनके पास आती हैं, जो नए अनुभव उनके पास आते हैं, उनके आधार पर वो नई नई अवधारणाएं बनाते हैं, या उनके जो मौजूदा विचार हैं
वो नई सूचनाओं, जानकारियों और अनुभवों के आधार पर वो उनमें परिवर्तन लाते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं और एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। तो आपकी पाठ्य योजना में नए अर्थ के निर्माण के अवसर होने चाहिए जब आप एक पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक कार्य या व्यवहार के प्रति वे अपने दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी अपनी व्याख्याएं होती हैं, उनके विचार स्वयं निर्मित होते हैं, वे आपके विचारों को उसी रूप में स्वीकार नहीं करते जिस रूप में आप उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो यह रचनावादी पाठ्य योजना की एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रत्येक बालक अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर, अपने अपने व्यवहार के आधार पर, अपने अपने अनुभवों के आधार पर एक ज्ञान ग्रहण करता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक कक्षा में वृक्ष, पौधे, झाड़ी, शाक, इन सबके विषय में अध्यापक ने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया। कक्षा 4 या 3 की कक्षा थी। उसके बाद उसने बच्चों को एक कार्य दिया कि कुछ समूह में पौधों के नाम लिखता हूं, आपको इसमें से वो पौधा चुनना है जो बाकियों से नहीं मेल खाता। उसने उदाहरण दिया आम, सेब, बरगद और आम, सेब, बरगद और नीम। इनका इसमें से आप अलग करिए कौन सा अलग है। तो एक बच्चे ने कहा कि बरगद अलग है क्योंकि मैंने बरगद का फल नहीं देखा, आम खाया है, सेब खाया है, नीम में मैंने छोटे छोटे फल लगे देखे हैं, मैंने बरगद का फल नहीं देखा, मेरे हिसाब से तो बरगद अलग है। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं है तो सर बरगद ही अलग, लेकिन आम की जड़, नीम की जड़ और सेब के पौधे की जड़ हमको दिखाई नहीं देती, बट बरगद की बड़ी बड़ी टहनियों से उसकी बड़ी बड़ी जड़ें लटकती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए बरगद अलग है। देखिए बरगद अलग है उस समूह में, लेकिन उस समूह दो बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण से उसको अलग सिद्ध कर रहे हैं और दोनों का उत्तर अपने अपने अनुभवों के आधार पर ठीक है। यही रचनावादी दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चा अपने अनुसार ज्ञान ग्रहण करता है, अपने अनुसार। मैं एक और उदाहरण से इसको स्पष्ट करता हूं। एक बार अध्यापक ने सम और विषम संख्याएं, गणित से उदाहरण है लेकिन सम और विषम संख्याएं पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद उसको कहा, उसने प्रश्न दिया कि किसी सम संख्या में क्या जोड़े कि वो विषम संख्या हो जाए। तो अध्यापक की अपेक्षा संभवतः ये थी कि वो सम संख्या में 1 जोड़ेगा तो विषम संख्या आ जाएगी। कुछ बच्चों ने तो लिखा 1 जोड़े, एक बच्चे ने लिखा किसी सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ दें तो संख्या विषम हो जाएगी। ये बच्चे का अपना अनुभव था, उसका अपना दृष्टिकोण था। रचनावादी पाठ्य योजनाएं इसी प्रकार बनाई जाती हैं जब बच्चों को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के अवसर हम अधिक से अधिक देते रहे। रचनावादी पाठ्य योजनाओं के बहुत सारे प्रारूप प्रचलित हैं, लेकिन एक ज्यादा प्रचलित प्रारूप जो खासतौर पर भारत की कक्षाओं में प्रयोग किया जा रहा है उसको हम 5E अप्रोच या 5E योजना या 5E प्रणाली के नाम से जानते हैं। और ये ई उसके 5 पदों के अंग्रेजी में प्रथम अक्षर से निकली है। वे पद हैं एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट। संलग्न करना, खोजना, व्याख्या करना, स्पष्टीकरण देना और मूल्यांकन करना। हम इसमें से एक एक पद पर विस्तार से बात करते हैं। संलग्न करने से क्या तात्पर्य है, इंगेज से क्या तात्पर्य है? इंगेज से तात्पर्य है कि जब बच्चे कक्षा में आए तो आप उन्हें कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जो क्रियाकलाप बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, उनको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित हों, उनको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जो किसी मुद्दे या घटना के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करें, उनको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जिससे बच्चे अपने अनुभवों को प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर सकें, कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जहां बच्चों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का, प्रदर्शन करने का या आपसे प्रश्न पूछने का अवसर मिले। अर्थात जो प्रथम चरण है 5E योजना का, जिसे हम इंगेज या संलग्न करना कहते हैं, इस चरण में एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो पाठ्य योजना बनाते समय ऐसे क्रियाकलापों का निर्धारण करे जो क्रियाकलाप बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, पूर्व ज्ञान से उनके ज्ञान को जोड़ें, किसी घटना के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करें, उन्हें उनके जो अनुभवों पर आधारित विषय वस्तु है उसकी ओर उनको केंद्रित करें और बच्चों को अधिक से अधिक स्वयं को अभिव्यक्त करने, अपने कार्यों का प्रदर्शन करने और अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछने का अवसर मिले।
यहाँ सीधे विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं की जाती, सीधे पाठ का विषय नहीं बताया जाता कि आज हम इस विषय का शिक्षण करेंगे। अभी हम चरणों की बात करने के बाद एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा चरण है खोजना, एक्सप्लोर। जो अवधारणा, जो विषय आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या उनके अनुभवों के आधार पर उनके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, आप उसको और आगे ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे उसके कारणों की खोज करें, उससे संबंधित उदाहरण, मुद्दे, अवसर या अन्य क्रियाकलाप उनको प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करें। जब वो अपने सहपाठियों के साथ ज्यादा से ज्यादा अंतःक्रिया